आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा के अंदर चुनाव कुछ ही समय बाद होने हैं और उसको लेकर चुनावी दंगल जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी चुनावी दंगल के तहत हमारा जो खास कार्यक्रम गाँव का मूड है, उस कार्यक्रम के तहत आज हम एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव रंधावा में पहुंचे हैं और यहां पर हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे और पीछे 5 साल के अंदर बीजेपी की सरकार में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके लिए इस गांव में हमारे इस खास कार्यक्रम की नुमाइंदगी अलग अलग पार्टी के जो ग्रामीण हैं वो कर रहे हैं। पहले ये जो सोनू भाटी हैं वो बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम की जो अपना पक्ष रखेंगे इस हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। इसके अलावा ये कांग्रेस की तरफ से हनुमान सिंह भाटी जी हैं, ये गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी की जो ये इनेलो की तरफ से लादूराम सियाग हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। और ये है सतवीर जाखड़, जो कि जेजेपी पार्टी है, उसकी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। उनकी पार्टी का गांव में क्या स्टैंड है, किस तरह से स्ट्रगल हो रही है, तो तमाम सभी जो ये लोग हैं इनसे अलग अलग से हम इनके विचार जानेंगे। इसके अलावा ये पब्लिक सामने बैठी है, ग्रामीण है, ये अपना पक्ष रखेंगे, बताएंगे गांव में विकास कार्यों के बारे में या इनको गांव को आगामी जो चुनाव है इसमें किस तरह की इनको उम्मीद है, सरकार किसकी बननी चाहिए, ये भी अपनी राय रखेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान गांव के सरपंच सुभाष सिंह जी भाटी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी अपना पक्ष यहाँ पे रखेंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम की हम शुरुआत जो है वो बीजेपी के जो इस हमारे खास कार्यक्रम के दौरान जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनसे हमारा सवाल रहेगा कि भाटी जी बताइए कि 5 साल के अंदर जो बीजेपी की सरकार है वो उसने किस तरह के काम किए हैं कि आगामी जो चुनाव है उसमें क्या आप परफॉर्मेंस मानते हो भारतीय जनता पार्टी? 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं जो 70 साल में भी नहीं किए गए कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, 70 साल में जो काम नहीं हुए, धारा 370 आपके आगे है। आज हरियाणा की बात की जाए, मनोहर लाल खट्टर द्वारा हर हलके में जहाँ बीजेपी की विधायक भी नहीं है वहाँ भी एक समान विकास किए जा रहे हैं। और बहुत रंधावा गांव की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं इतने आज तक रंधावा के अंदर कार्य हुए। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है 5 साल के अंदर, इनके गांव के अंदर भी बहुत अच्छा काम हुआ है और प्रदेश और देश के अंदर भी अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसके बारे में हम राय जानेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे इस कार्यक्रम के दौरान इस जो रंधावा गाँव के अंदर है वो गाँव के पूर्व सरपंच हनुमान सिंह भाटी जी। जी बताइए जी, आप कितने खुश हो कांग्रेस इस बीजेपी की सरकार में? पहले तो जो आपनों चैनल है फिर रंधावा आया हूँ, थाना बहुत बहुत बधाई हुआ है। और हमारे गांव में सरपंच साहब बैठे आज तक 5 साल में एक भी कमर को, मेरा सागी ताऊ वो लड़को 1 साल हूँ गंदी हॉस्पिटल में है, अठे कैप्सूल खाने लग गयो और नशों करण लग गयो और आज एक भी कोनी मेरे गांव का कम से कम भी 20-25 नशा खावे। अरे बीजेपी की सरकार में पहली मारे गांव में कभी कैप्सूल या कोई चिट्टो कभी कोनी। मारा 20-20-50-50 साल का 50 साल में काट रहे हैं, मेरे गांव में कभी केस कोनी हो, कभी मेरे गांव को कभी केस कोनी हो। लेकिन अब की बार बीजेपी की सरकार में मेरे गांव का कम से कम भी 40 बच्चा जो है मैं बाँ बच्चा हूँ हाथ धो बैठे। ये बहुत बड़ा ये मुद्दा हाँ। ये बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा ये जो है नशा जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि 40 युवा इस नशे की गिरफ्त में है और वो ये मानते हैं कि ये सारी की सारी जो मेहरबानी है, जो ये काम है वो बीजेपी के राज में ऐसा हुआ है। अब इनेलो की तरफ से जो इस कार्यक्रम के अंदर हमारी जो ये नुमाइंदगी करेंगे तो लादूराम सिहाग से इनसे भी हम पूछेंगे कि आपकी पार्टी का गांव के अंदर क्या जनाधार मानते हैं? सर जी, हमारी पार्टी का जनाधार बहुत बढ़िया है, लगभग ये मानो 15 साल से इस गांव में ये पार्टी जीतती आ रही है। एक दफा इसी बार जो लोकसभा का इलेक्शन था इसमें पार्टी को थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति दिखाई है, बाकी 15 साल में इनोलो इस गाँव से इस हल्के से जीतती आ रही है। यहाँ काम कराने में इनोलो ही सक्षम रही है, प्रेजेंट सरकार में कोई इस गांव में काम नहीं हुए,
यहाँ का विधायक है, मौजूदा विधायक भाई अभय सिंह चौटाला, उसने इस गांव को लगभग 25-30 लाख रुपए ला के दिए, उनसे इस गांव का विकास हुआ है। ये मानते थे हम भी पहले, नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे काम किए, उसके लिए हमने भी, हमारी दो लोकसभा सीट थी 2014 में, उसका हमने भी उनका समर्थन किया था और उनके काम बढ़िया मानते थे। बने हरियाणा की सरकार जो गठर सरकार है वो तो इतनी फेल रही है, ये मानो नशाखोरी में फेल, बलात्कारी में फेल, हमारे एरिया में इतनी तो कत्लें हो रही है अभी 2-4 दिनों से, ये कुताना माइनियर पर कोई कत्ल मिलता है, कोई खाई कत्ल मिलता है, ये मानो प्रशासन का नाम ही नहीं, लूटाखोरी हो रही है यहाँ, नशाखोरी यहाँ हो रही है, इतने मानो कोई ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते थे, ये ऐसे मानो इनको यही पता नहीं बेटी सुरक्षित कैसे रहती है। इस सरकार में तो ये मानो इज्जत का तो नाम ही नहीं, यहाँ तो ऐसा हाल हो रहा है, ये मानो हरियाणा का भी पिछड़ा वर्ग बना रखे है सिरसा को, ये खट्टर सरकार में, मेरा तो अनुमान यही है सिरसा 50 साल पीछे चला गया। जेजेपी की तरफ से आप इस कार्यक्रम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या मानते हो जेजेपी का क्या आधार मानते हो? अब नई पार्टी बनी है इनेलो से टूटकर, तो आपके गाँव में कितना वोट आने की संभावना मानते हो आगामी चुनाव में? फिलहाल तो धीरे धीरे नए युवा जो है वो जुड़ रहे हैं, अभी नई पार्टी बनी है, आगे आने वाले 5 साल के बाद फुल बहुमत आएगा यहाँ पर रंधावा में, तो खुद काम भी करेंगे, अच्छा जोश भी है युवाओं में, और ये बीजेपी सरकार तो नकारा है, भ्रष्ट सरकार है, किसान ही तेजी नया तो लड़कियों की इज्जत करती है, ये पिछले दिनों आपने देखा है कैप्टन अभिमन्यु वाला कान जो भाषा जी, और अब गेस्ट टीचरों पे राखियाँ बरसाई है, पीछे जातिवाद का जहर बोला था वो नशाखोरी में भी आगे ये भी देते ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सिर्फ नारा है, क्योंकि जो कई अभी कांड हुए हैं पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था कैप्टन अभिमन्यु का, वो एक गांव में जाते हैं और वहां पे जो दुर्व्यवहार का आरोप उन पे लगता है लड़कियों के साथ है। इसके अलावा अभी जो कंप्यूटर टीचर जो महिलाएं हैं उन पे भी लाठीचार्ज हुआ, इसकी भी ये निंदा करते हैं और सामने पब्लिक है, और इनसे भी मेरा सवाल है कि गांव के अंदर किस तरह के विकास करे हुए हैं नहीं हुए हैं, ये पूरी आप विस्तार से अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से साझा कर सकते हैं, और कोई गाँव की मांग है तो वो भी एक एक करके अपनी वो विचार जो है वो रख सकता है। तो अब मैं दोबारा से सोनू भाटी जो कि बीजेपी के तरफ से इस कार्यक्रम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उन पे जो अभी दूसरे जो ग्रामीण हैं साथी हैं जो अलग अलग पार्टी के कांग्रेस के और इनेलो के, तो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि नशा जो है वो आपके गांव में आज 40 से ज़्यादा युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में है, और वो भी मेडिकल और चिट्टे के नशे से, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ही ऐसा हुआ है? देखो जी, ये बात इनकी बिल्कुल सही है, भाई नशा बढ़ाए, लेकिन इस नशे को फैलाने का काम, इस नशे को किसने पनपाया, इस नशे का जन्मदाता कौन है? अगर आप आज उठा के देखोगे तो इसका जन्मदाता कांग्रेस है, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नशा लाया गया पंजाब में, बॉर्डर से नशा आता था, और नशा आज से 5 साल पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, अब वो उड़ता हरियाणा उस पंजाब की देन है, न कि इसमें गवर्नमेंट का कोई, बीजेपी सरकार ने प्रशासन को भी और बहुत सी टीमें बना रखी है नशा के खिलाफ, लेकिन नशा इतना बढ़ा दिया गया जिस पे कंट्रोल नहीं है उसका, लेकिन बीजेपी सरकार ने अपनी तरफ से प्रशासन ने भी बहुत कंट्रोल किया है, धीरे धीरे इस पे कार्य किया जा रहा है। तो पूरे तमाम जो सामने बैठे हैं इनसे भी मेरे सवाल हैं कि गांव के अंदर किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए और किस तरह के विकास कार्य अभी तक हुए हैं उस पर अपनी राय रख सकते हैं। इस पब्लिक के बीच में ही गांव के सरपंच हैं, उनसे भी हम राय जानेंगे कि उनके कार्यकाल में लगभग 3.5 साल उनका जो सरपंच का कार्यकाल हो चुका है, उस 3.5 साल के अंदर गांव में उन्होंने किस तरह के विकास कार्य करवाए हैं, कितने रुपये सरकार की तरफ से उनके गाँव में मिले हैं? जी सरपंच साहब, विकास कार्य गाँव में बहुत हुए है। हाँ छोड़ दें, विकास कार्य गांव में बहुत करे है सरकार, सरकार चूँकि सेंटर सरकार है वो बहुत बढ़िया सरकार है, हरियाणा सरकार ही ठीक है, नशो तो थोड़ा सो के फैलियो है, मैं तो कोई शक को नहीं, नशे के मायने तो कहेंगे देन कर लियो चाहे कांग्रेस ही कर दे, मौके के ऊपर नशो है, बाकी सरकार बहुत बढ़िया काम करे है, दरकतांग ऊपर विशेष ध्यान है, स्वच्छता के ऊपर विशेष खास करके ध्यान है,
पानी ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर मुद्दे ऊपर जका आपने आना टाइम के खातर जरूरत है मैं चीज़ पर सरकार को पूरा फोकस है। गांव में किस तरह के विकास कार्य करवाए हैं क्या क्या कोई दो चार गांव काम जो ऐसे आपको लगे ये इन्हीं की देन है सरकार की देन है तो वो क्या क्या काम है जिसके लिए ग्रांट स्पेशल आपके गांव को मिली है? स्पेशल ग्रांट तो जिस ज़्यादा तो गलियां की ग्रांट आए बाकी तो बियाँ एक साइड है स्कूल को अभी CM घोषणा पहली चार गलियाँ ही डी प्लान में चार गलियाँ ही तो गलियां को ज़्यादा है। चुटाला साहब बाई जिसका जिला परिषद है बाई मैंने पैसा दिया है 25-1 लाख रुपया बांकन हुआ है बाकी सरकार का ही 1 लाख मतलब 70-80 लाख रुपया आ गया। तो ये सरपंच साहब बता रहे हैं कि इनके गांव में जहां यहां के स्थानीय विधायक है अभय सिंह चौटाला उनकी तरफ से उनके जो ग्रांट के उनको मिली है 25-30 लाख रुपए उनको उनकी तरफ से मिले हैं और 70-80 लाख रुपए ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के CM अनाउंसमेंट मान लो या कोई और दूसरी स्कीम के तहत इनको मिले हैं। तो और भी कोई ग्रामीण जो अपनी राय रखना चाहता है वो अपना पक्ष रख सकता है वो बता सकता है कि गांव में किस तरह के विकास करें और होने चाहिए और आगामी जो चुनाव है उसमें गांव का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा ग्रामीणों को क्या मांग रहेगी जो भी राजनेता गांव के अंदर पहुंचेंगे वो बताएं कि किस तरह का मुद्दा उनका मेन रहेगा अभी ये काम उनके गांव की मुख्य मांग में कौन सा मुद्दा रहेगा तो इस पर अपनी चर्चा रख सकते हैं। हमारे गाँव का चुनाव में मुख्य मुद्दा नशा रहेगा हम चाहते हैं कि हमारा गांव नशा मुक्त हो और युवाओं के लिए एक जिम की व्यवस्था की जाए ये दो मुद्दे हैं। बिल्कुल एक और ग्रामीण है युवा हैं इनसे भी हम पूछेंगे क्या मानते हो आप मुद्दा क्या है आपके गांव का विकास कार्यों के बारे में या क्या राय रखते हो आप? हमारे गांव में जी पहले तो नशे का है और साथ में विकास तो अच्छे हो रहे हैं पर अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत अच्छा विकास करवाया गाँव में और बहुत पैसे दिए हैं। क्या मानते हो अब की बार जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उस चुनाव के अंदर यहाँ BJP की जो जीत हुई थी और आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें किसकी जीत मानते हो? यहाँ तो जी अभय सिंह चौटाला जीतेंगे जी हमारे गांव क्या है इलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला ही विधायक है और वो तो मोदी लहर थी अब मोदी लहर नहीं अब खट्टर लहर भी नहीं है उस नहीं है अभय सिंह चौटाला जी विधायक बनेंगे। और भी कुछ युवा हैं इनसे भी हम बात करेंगे जिसे पूछेंगे कि किस तरह के मामले उनके गांव के लिए मुख्य मुद्दे हैं। जी आप बताइए आपके गांव में आगामी जो चुनाव को लेकर क्या मुद्दा मानते हो आप? सर मेरा नाम कुलदीप है मैं यही मुद्दा मानता हूं जो BJP सरकार है अभी तक सड़कों के अलावा गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है जैसे भी आप ग्रामीण लगा लो जमींदार लगा लो किसानों के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो संतुष्ट पूर्वक हो इसलिए मैं सरकार का ध्यान उनकी तरफ देना चाहूँगा कि वो किसानों की तरफ सोचे। सर हमारा मुख्य मुद्दा तो नशे के बारे में रहेगा आजकल के ज़्यादातर युवा नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नशा छुड़ाने के लिए ये बताया जा रहा है कि BJP के शासन में ऐसा हुआ है क्या मानते हो कि ये पिछले 4-5 साल के अंदर ही आपके गांव के अंदर इस तरह का सब बना है? बैठ गए ना कुछ नहीं कुछ सालों में हुआ है पहले कुछ नशे के बारे में कुछ जानते ही नहीं अच्छा हो गया ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ। तो अब जो मुख्य मुद्दा गांव का जो ये बताया जा रहा है कि गांव के अंदर नशे का प्रचलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और उसको रोकने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए तो कांग्रेस की तरफ से जो इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ हैं पूर्व सरपंच हनुमान सिंह जी भाटी इनसे दोबारा हम पूछेंगे जी अभी आपने बताया था कि BJP के शासन में ही ऐसा हुआ है तो क्या BJP की सरकार से पहले इस तरह के जैसे आपने बताया कि 40 युवा इस चिट्ठे के गिरफ्त में है तो इससे पहले ऐसा नहीं था? मेरे गांव में ऐसा नहीं था कभी मेरा गांव भाईचारे का गांव था और हम एक कोई भी कौम का यहाँ जो गांव में रहता है सर एक पेट के तरिया रखते हैं और इस आने के बाद ये BJP सरकार या तो जो युवा इन्होंने बेच के इन्होंने नशा बेच के पैसे कमाए हैं BJP सरकार ने युवाओं का भत्ता दे उनका इलाज कराए कौन करा रहा है? मेरे सगी ताऊ का पोता आज गांधी मेडिकल में 8 महीनों से वहाँ है कौन उसकी सुध बुध ले रहा है गरीब आदमी है
ठीक है वो नशे के चक्कर में पड़ गया, लेकिन कोई सरकार भी उनके ऊपर क्या एक्शन ले रही है? पैसे तो सरकार ही कमा रही है ना, बताओ आप। सरपंच साहब कह रहे हैं मेरे विकास हुआ है, एक भी स्कूल में कमरा है तो सरपंच साहब बैठे बताएं। कोई आंगनबाड़ी आई है, कोई दीवार आई है मेरे गांव में, गलियां तो ठीक है, मेरे गांव में 50-60 किला ज़मीन भी है, कुछ और पैसे है, कुछ और कोई 20-30 लाख रुपये दे दिए होंगे, क्या विकास हुआ है मेरे गांव में? मेरे गांव में सिर्फ ये विकास हुआ है कि सबसे ज़्यादा भाईचारा, इन्होंने कहा था कि जाट समाज और ये जो रोहतक में आग लगाई गई थी और इन्हें जाटों ने बनाई थी वो अपने युवा विकास मंच खाप पंचायतें ये वो, इन्होंने सब फार्मूलिटी थी। आज वो जाट यहीं हरियाणा में है, एक डाकखाना बाढ़ के दिखा देना, उस दिन निशान लगा दिए सरकार की मिली भगत से, और इन जाटों को बदनाम करने की खातर अरे सारी दुकानों में आग लगा दी गई। आज कहाँ गई ये पंचायत? यहीं जाट है, यहीं दूसरा समाज, एक डाकखाना में एक आदमी रहता है, बाढ़ के दिखा दे ये सरकार। सिर्फ इनकी पॉलिसी यही है कि आप श्री में लड़ाओ राज को। ठीक है, मोदी साहब ने बढ़िया काम किया 370 का, और मोदी साहब को वोट मिल गई, किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अंग आप गए तो है को नहीं, इन खट्टर के तहन के जरूरत है कहीं बहन बेटी निगाह रखने की? अब काल परसों गेस्ट टीचर लठ मारे बेई साहब ऊँट कुटे जिया कुटे, कोई बात थोड़ी है। बिल्कुल काफ़ी आरोप लग रहे हैं, और अभी जो ये कह रहे हैं कि गांव के अंदर कोई विकास, कोई खास विकास नहीं हुआ है, गांव के अंदर ना कोई आंगनवाड़ी नहीं बनी है, ना कोई स्कूल के अंदर कोई बिल्डिंग बनी है, तो इस पे हम राय जानेंगे सोनू भाटी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर इस हमारे खास कार्यक्रम गांव का मूड में यहां उपस्थित हैं, तो इनसे हम पूछेंगे इन आरोपों के बारे में। जी, गाँव में विकास कार्य हुए हैं, बीजेपी ने विकास कार्य करवाए हैं। स्कूल के मामले में अगर बात है, स्कूल में अभी शेड का कार्य शुरू हो रहा है, और स्कूल में और भी अगर आप देखोगे RTA के माध्यम से पता करोगे तो आज बीजेपी की गवर्नमेंट में जितना पैसा रंधावा गांव में आया है उतना शायद ही पीछे कांग्रेस या इन लोगों की सरकार में रंधावा में लगाओ। आज रंधावा की कोई गली शायद ही एक आधी कोई गली बच जाए जो कच्ची रहे, सारी गलियां पक्की बनी है। अभी पिछले एक साल के अंदर अंदर 70-80 लाख रुपये डी प्लान से आए हैं रंधावा के अंदर, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने कार्य किया है, इसमें कोई शक नहीं। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन कांग्रेस और इनेलो की गवर्नमेंट से दो गुना ज़्यादा कार्य बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। आपके गांव के अंदर अब की बार जो चुनाव है इसमें बीजेपी जीती है, आप आगे 1.5 महीने बाद दोबारा चुनाव है, तो उसमें आप क्या मानते हो, कितने वोटों से जीत दर्ज करेगी या नहीं कर पाएगी, क्या मानते हो? बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीतती है उससे बढ़त बनाएगी, लगभग मान के चलो 400+ वोटों से रंधावा के अंदर बीजेपी जीत दर्ज करेगी, और इस बार इलाहाबाद हलका में भी बीजेपी का विधायक बनेगा, और बीजेपी का नारा है 75 पार, ये तो कन्फर्म है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है और कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी की एक तरफा सरकार बनेगी जिसके अंदर 75+ सीटें ही आएंगी। जी बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ है, तो इस पे दोबारा से हम इनेलो के जो इस हमारे खास कार्यक्रम के अंदर जो नुमाइंदगी कर रहे हैं इनेलो पार्टी की इस गांव की तरफ से लवदुराम सिहाग, इनसे पूछेंगे। जी, अब ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ है, इधर कांग्रेस से जो हनुमान सिंह भाटी हैं ये बता रहे हैं कि कोई भी नया विकास नहीं हुआ है, आपका क्या मानना है, विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? भाई साहब, मैं तो ये मानता हूँ 5 साल में बीजेपी सरकार ने जो विकास किए हैं ये तो ये मानो जीरो है। ये भाई साहब बोल रहे हैं भी इस गांव में ये मानो हरिजन चौपाल है, बुढ़ा आश्रम है, कोई जोड़ के पैसे है, कोई स्कूल के कमरे है, ये मानो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, चौटाला साहब ने जो काम करवाए थे उसकी रिपेयर नहीं हो रही है, इतना काम कराया था इस सिरसा में। ये 5 साल में तो ये मानो सरकार के नाम पर तो धब्बा है, 700 ले लिया हमारी बोले 4200 लेंगे, 3600 भी नहीं बिक रही है, कहीं डीजल के दाम बोले घटा देंगे, आसमान पार कर रहे हैं। ये बात मानो इस सरकार में इतनी फेल सरकार है ना, हटते हटते भी इस सरकार ने ख़त्म कर दिया इस देश को ख़त्म। हमने पहले ये ना जानते थे, हम ये जानते थे चिट्टा कपड़ा सफ़ेद कपड़े को कहते हैं, राज चिट्टा के नाम पे इस देश के, इस प्रदेश के, इस गांव के युवा ख़त्म हो रहे हैं, ये नई जिंदगियां ख़त्म हो रही है। ये मानो अच्छे अच्छे एक एक बच्चे है, उस बच्चों की ज़िंदगी इतनी ख़त्म हो रही है इस सरकार में, हम ये मान ही नहीं सकते थे भी हमारे हिंदुस्तान को इतना ख़त्म कर देगी ये सरकार है। कोई आंकलन नहीं था इस बार, तो ये बात मानो किसान ऐसे रोता है आप 75 पार कर देंगे, ये
अब ट्रैक्टर का चलान किया 59,000 का 75,000 का कर देंगे, 75,000 का ये ना मानना। अब एक बच्चा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, 20,000 का मोटरसाइकिल है, 40,000 का चलान करते हैं, लाइसेंस उसके पास होता है और होता है तो ये कह देते हैं भाई तू चप्पल पहन के आ गया, तू ऐसे कर दिया। कोई उनको तो एक या दो काम ये करने हैं। ट्रैक्टर चौधरी देवीलाल ने ऊंट रेड़ा बनाया था, ऊंट रेड़ा बनाया था ट्रैक्टर का। आज ट्रैक्टर का एकदम से या तो ये पहले थोड़ा घना बता रहे थे होते तो भी ये काम करवाएंगे, वो ट्रैक्टर जाता है उसका 60,000 का चलान काट देता, किसान क्या करेगा? डीजल के दाम आसमान पे चढ़ा दिए, बोले मोदी साहब डीजल डाउन करेंगे, उसका क्या होगा? किसान मरेगा। काफ़ी आरोप बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं। आप बताइए, आपने जो बता रहे हो कि नई पार्टी है और आगे अच्छा ग्रोथ करेगी, तो इस चुनाव के अंदर आपके अनुसार आपके गांव में कितने, अब जो 1.5 महीने बाद चुनाव है, कितने वोट आने की संभावना आपके गांव में है और किन के वोट? जैसे दुष्यंत जो युवा है उनका जो ये मानना है कि युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? फिलहाल तो 150+ जाएंगे वोट, नई पार्टी अभी तक तो वो गाँव में भी नहीं आई, दौरा करेंगे तब उनके साथ युवा जुड़ेंगे। कल हमारे यहाँ वो आ रहे हैं, दिग्विजय जी आ रहे हैं, फिर कुछ युवा साथी जुड़ेंगे उनके साथ, उनका प्रोग्राम होगा यहाँ पे। और ये फिलहाल तो नहीं है, ठीक है, आगे बहुत अच्छी तरह काम करेंगे ये। और ये बीजेपी सरकार तो किसान ने कैसी है, इन्होंने तो खून पी रखा है बीजेपी वालों ने तो। बिल्कुल, तमाम सभी जो यहाँ पे नुमाइंदगी अलग अलग पार्टी से कर रहे हैं, ये भी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि हमारा ये खास कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, गांव का मूड कार्यक्रम का नाम रखा हुआ है हमारा। और ये कार्यक्रम हर गांव में, सिरसा और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के हम गांव में अभी जा रहे हैं, आगे दूसरे और जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसमें चुनावी दंगल के तहत ये जो है गांव का मूड प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और आज हम रंधावा गांव के अंदर ये चुनावी जो सरगर्मियों को लेकर हम जो गांव में आए हैं और गांव का मूड जानने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। और भी कोई ग्रामीण, कोई युवा अपने पक्ष अपने जो बात रखना चाहता है तो बिल्कुल अपनी बात हमारे इस चैनल के माध्यम से रख सकता है। फिर गाँव में विकास कार्य नहीं हुए हैं तो उसके बारे में, या हुए हैं तो उसका बखान भी वो अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। कोई भी युवा है, कोई भी ग्रामीण है तो अपना पक्ष रख सकता है। तो मैं इस जो हमारा इस कार्यक्रम है इसको लगभग समापन की तरफ लेके जा रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ के जो हमारे इस कार्यक्रम में सोनू भाटी जो बीजेपी की तरफ से हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा आखिरी सवाल कि आप इतना श्योर मान रहे हो कि बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन आप ही के गाँव के जो दूसरी पार्टी के जो वर्कर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है और सिर्फ मोदी लहर पे वोट मिल गए हैं, तो आगामी ये जो चुनाव है उसमें क्या सिर्फ वो मोदी लहर का ही परिणाम आपके गांव में दिखेगा या कोई विकास का भी कोई कारण है इसमें आप मानते हैं? देखो जी, मैं लास्ट में आपको अंतिम में दो बिंदुओं पे चर्चा करना चाहूँगा। किसान हितैषी ये कह रहे हैं किसान के खिलाफ में सरकार लेगी, आज से 70 साल का इतिहास उठाकर देख लो जितना मुआवजा इन पिछले 5 सालों में आया है सिरसा जिला का और हरियाणा में, उतना आज तक किसी गवर्नमेंट ने मुआवजा नहीं दिया किसानों का। किसानों की अगर फसल भी ख़राब नहीं हुई तो भी किसानों को मुआवजा मिला है, हर गांव में हर प्रत्येक किसान को मुआवजा मिला है। दूसरी बात रही चालान की, ये कह रहे हैं चालान काट रहे हैं 25,000 का 30,000 का, चालान आपकी सुरक्षा के लिए काट रहे हैं। आप अपने हेलमेट लगा के जाओ, गाड़ी के कागज़ रखो, सारा कुछ रखो, चालान किसके कटेंगे? गाड़ी के कागज़ पूरे होंगे तो चलान ही नहीं कटेंगे। ये तो हम सुरक्षित है तो पैसा और भी आ सकता है, हम सुरक्षित है ही नहीं, हम ऐसी बाइक लेके घूम रहे हैं चार चार ऊपर बैठ के बिना हेलमेट, तो उसका तो चलान कटेगा। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई गलत काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की 75 पार से सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये पूरा आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर दोबारा से सरकार बनेगी और न केवल सरकार बनेगी बल्कि 75 पार का जो सरकार जो एक दावा करती है वही दावा ये रंधावा गांव के अंदर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। तो इन दावों में कितना दम रखते हैं, कितना ये दम मानते हैं, इसके बारे में अंतिम सवाल जो हमारे इस कार्यक्रम के दौरान जो ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के अंदर, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या वाकई में यहाँ से जो है वो 75 पार का जो नारा है वो सफल हो पाएगा? नहीं, हो जाए 75 पार क्यों है, 50
90 पार भी कर देगा कौन मना करे, मना कौन कर सका ने 90 पार कर देगा तो क्या है, 108 भी पार कर सके। आसा ट्रैक्टर की जो आसा ट्रैक्टर है ना अब इन्हें मट्टी कौन बन दिया, और मैंने कहो भी तेज तू तो साली खाली कुत्र काट सके, मेरा फैक्ट्री है भी फैक्ट्री का माँ पत्थर ले गया है चलाना हुआ आज, और जो माटी भरके कौन जा सके बाप रे, माटी भरके जागो वापसी में तो मैंने जमींदार की फर्द लेनी पड़ेगी और नंबरदार को लिखाना पड़ेगा और 50 रुपया सरकार में ट्राली का देना पड़ेगा। ये आज की खबर है ताजा, और यह तो सच्चाई है कि नशे का जगह पीसा कमाया नहीं भाई, पीसा माओ जाड़ा मैंने दिया आते मान लो जी गोली आ 5 रुपये वाली गोली है नहीं मैं 100 रुपये पत्ता के लिए भाई पीसा मैंने मुआवजा दे दिया अंजोर के, ऐसा का हमारा छोरा है जगह बेकार हो गया गोली खा खा के बावड़ा हो रहे 20-20, 30-30 साल का बच्चा जगह है वहाँ कोई हालात को नहीं मैंने अब फिर क्या थारे टाबर के करे पहली पोत तो पहली तो यहाँ तो भी फलाने वो परिवार बहुत बढ़िया है जी छोरा और रिश्तों कर दे हो जाए तो छोरा वहाँ रिश्ता ही को नहीं हो, पहली पोत बेरो पड़े क्या भी छोरो थार लो चिट्टो खाए को नहीं हरियाणा में बहुत हमारे रिश्तेदारियाँ जो है हमारा राजपूतों का काम है हमारी सारी रिश्तेदारियाँ जी की राजस्थान में, और राजस्थान वाला पहली बड़ा फोन कर करके पूछा है कि थारे फलाने का टब्बर है वो चिट्टो चाटो तो कौन खाए कौन छोरी देखो अरे चिट्टा खावे जी गोली है खावे अजेंट भी हो रहे ठीक है कोई पकड़ी दी हो मैंने चुटा लिया कौन मना कर, बिल्कुल काफ़ी गंभीर मुद्दा इन्होंने उठाया है कि आज इनके गांव के और न केवल इनके गांव के बल्कि पूरे हरियाणा के ऐसे हालात ये मानते हैं कि ये जो मेडिकल और चिट्टे का जो नशा है उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से उनकी जो शादी होने पे भी खतरा मंडराने लग गया है, क्योंकि गांव के अंदर ये बता रहे हैं कि उनकी रिश्तेदारी राजस्थान में है और पहले वो परिवार देख कर शादी कर देते थे अपनी बेटी की लड़की की, लेकिन आज वो ये पूछते हैं कि आपका लड़का या किसी जो दूसरे का लड़का है वो चिट्टे का सेवन करता है या नहीं है, तो ये बड़ा अहम मुद्दा है। और अंतिम सवाल अब इस जो कार्यक्रम के दौरान इनेलो की तरफ से है कि आपका क्या मानना है, आपके गांव के अंदर इनेलो का क्या भविष्य रहेगा, अब की बार जो है कितने वोट मिलने की संभावना है यहाँ आपके गांव से और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से। मैं जी लास्ट में 2 सवाल बोलता हूँ, एक तो मेरे छोटे भाई सोनू भाटी से 2 सवाल किया था अभी हमको बहुत ज़्यादा बीमा मिले, उसमें एक चीज़ तो सहमत हो बीमा तो मिले मेरे छोटे भाई से या बीजेपी सरकार से पूछो भी अपनी जेब से क्या पंजी दी है किसानों ने अपना 500 रुपये 700 रुपये पर किलो का बीमा करवाया, ये प्राइवेट बीमा तो कोई करवा लो कोई ले लो, गवर्नमेंट ने 1 रुपये का बीमा दिया है तो यहाँ बोलो, ये गवर्नमेंट तो इतना डर गई थी गवर्नमेंट आते ही भी फसल किसान अपना बीमा आप कराओ, और जो कमीशन है फसल का कमीशन है वो सरकार ले रही है हमारे, अब हमारे खाते से ये मानो जी पर साल 1,000-1,200 रुपये पर एकड़ कट रहे हैं, क्या हमारे को बीमा दो या ना दो, एक बार बीमा दे दिया उसने कोई प्राइवेट कंपनी ने बीमा दिया, मैं मेरे भाई से कह रहा हूँ कहीं इंडिया में दिखा दे मेरे को गवर्नमेंट का बीमा है, खट्टर सरकार का बीमा है तो हम ये मान लेंगे एक तरफा सरकार है, ये तो मान लो एक किसान को बीमा करवाए अपनी फसल का बीमा प्राइवेट कंपनी से बीमा करवाए 1 रुपया मिलेगा हम उसमें सक्सेस हैं, यहाँ मेरे गाँव में ये मानो 3,000 एकड़ ज़मीन है, 3,000 एकड़ ज़मीनों में 1,500-1,600 एकड़ ज़मीन के किसानों ने अपना बीमा करवाया था उनको तो बीमा मिला है, क्या वो 1,500-1,400 एकड़ वाले कहाँ गए, कटर कहाँ गया था, उनको बीमा क्यों नहीं दिया, उनकी फसल खराब नहीं हुई थी, परंतु जो सुदृढ़ किसान थे समृद्ध किसान थे उन्होंने अपना बीमा प्राइवेट कंपनियों से करा लिया था और फसल खराब होने पर प्राइवेट की कंपनियों ने हमें बीमा दिया है, ये बात ये भाई साहब यही पूछता हूँ मैं ये बीजेपी गवर्नमेंट से ही पूछता हूँ हमारी सरसों क्यों नहीं खरीद रहे हैं, कटर कहाँ गया, अभी हमारे गांव में ये मानो 70% सरसों लोगों के घरों में पड़ी है, इस आस में भी ये कटर दोबारा कभी सरसों का नाम लेगा के वोट का नाम लेने यहाँ आ गया, जन यात्रा आशीर्वाद यात्रा सब निकाल ली, वो किसान की फसल की यात्रा कहाँ गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट कहाँ गई, वो बोलते थे अर्धनंगन होके ये मानो आप दिल्ली के अंदर ये करते थे कांग्रेस गवर्नमेंट में बीजेपी वाले हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, ये रिपोर्ट तो जब लागू करेंगे जब इनका हौसला होगा, ये किसान से तो इतना डरते हैं कि आप अपना प्राइवेट बीमा कराओ और उनसे ले लो हमारे पास कुछ नहीं हम तो नंग है खाएंगे, ट्रैक्टर का कभी चलान हुआ था चलो स्कूटर पर 4 चढ़ गए 6 चढ़ गए थे, आज से ये मानो 60 साल हमने अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे जब के बाद आज पहला ऐसा हो रहा है किसान के ट्रैक्टर का चलान हो रहा है, ये गवर्नमेंट देख रही है ये मुख्यमंत्री देख रहा है भी तेरे स्टेट में
चलान हो रहे हैं, तुम फिर भी इतना अंधा हो रहे हैं, अभी मैं वोट दे दूँ मेरे को, किसान किस लिए वोट देंगे? इस इलाहाबाद में ये मानो जी बीजेपी का तो नाम निशानी नहीं रहेगा, रहेगा तो लास्ट में ये मानो ये 75 कहते हैं, 75 में से 7 हटा दो, कुछ भी हो सकता है। तो ये तमाम हमने चर्चा की है हमारे इस खास कार्यक्रम के दौरान, ग्रामीणों के भी हमने राय ली है, इनसे पूछा है कि इनका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, और पूरा इन्होंने पूरा विस्तार से बताया है। विपक्ष ने जहाँ पे ये बताया है कि उनके गांव में नशे का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मैं कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पुनिया।